मध्य प्रदेश के धार बस स्टैंड एवं घोड़ा चौपाटी क्षेत्र में गुंडों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। आए दिन निजी बस के कंडक्टर से जबरन वसूली की जाती है, पैसे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की जाती है और उनमें खौफ पैदा किया जाता है ताकि हमेशा मोटी रकम मिलती रहे। इन गुंडों को कुछ बस मालिकों का संरक्षण भी है। गुजरात राज्य परिवहन तथा राजस्थान राज्य परिवहन की बसों को भी बस स्टैंड पर नहीं आने दिया जाता। दोनों ही स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित है। इसके बाद भी यहां से पुलिस जवान नदारद दिखाई देते हैं, जिसका फायदा गुंडे उठा रहे हैं। इन गुंडों की असभ्य भाषा और अश्लील गालियां सुनने के लिए सभ्य यात्रियों खासकर महिला यात्री भी मजबूर और परेशान हैं। और यह माहौल दिन ही नहीं बल्कि रोज भर दिन भर चलता रहता है। एक निजी बस के कंडक्टर देवेंद्र सिंह चौहान की सुनाते हैं आप बीती, क्या कुछ हुआ है बस कंडक्टर के साथ। छोड़ता है हमको ये 950 भी चंदन नगर में मिल गया और उसका सेठ भी उसके साथ में था, प्रदीप करके, और शाहरुख और गोलू वगैरह ये कंडक्टर वगैरह थे उसके साथ में, 7-8 जने थे ये। अब जैसे मैंने उनको टाइम का बोला कि भाई टाइम से चलो यार, तो उन्होंने बोला कि चला, बोले देखते थे को क्या, बोले बहुत टाइम की बात कर रहा और मेरी गाड़ी भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे और खुद भी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। ऐसा कम से कम मतलब कि 15-20 मिनट तक हमारा ऐसे ही चलते रहा, आगे पीछे गाड़ी होती रही। फिर हमने सोचा कि यार हम छोटे बन जाते, हम रुक गए वहीं पर, रुक गए आधे एक घंटा, मतलब कि 15-20 मिनट हम बैठवा में खड़े रहिए। फिर वहाँ से फ़ोन आया, इन चिल्ला छोड़ करने लगे, बोले कि तू आ तो सही, बोले तेरे को बताते हैं, बोले क्या धार आएगा जैसे, बोले तेरे तेरा हाथ तेज तोड़ेंगे हम क्या। और जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुँचा, पहुँचते के साथ इन्होंने क्या है कि मैं बस खड़ी करी थी और इतने में यानी कि इनकी पहले से बस आ जाती है, और जैसी आई और वैसे देखे तो इन्होंने क्या है कि सब जनों ने मिल के लाट और ठूसों से मेरे को मारा कुट्टी कर दी और मेरे पैसे भी वहाँ पर गिर गए। मैं कोई नहीं मालूम कि 12-13 हज़ार में मेरे उसके अंदर रखे हुए थे, सेठ ने क्या काम कराने के लिए दिए थे, और 2-3 हज़ार में मेरी सिलक थी तो ऊपर वाले जेब में रखी थी, तो जिसके कारण क्या है कि ऐसा मारा कुट्टी हुई उसके अंदर मेरे पूरी सिलक भी गिर गई। और हमेशा दादागिरी करते रहते हैं, जब देखो जब बने कि ला भैया गाड़ी आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा रहा तो ला दे 50 रुपये दे 100। इसमें हम ट्रैफिक सूबेदार ट्रैफिक प्रभारी को हम निर्देशित करेंगे, वो इनको बैठ करके जो भी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का तरीका है वो स्ट्रीमलाइन कराएंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, और इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।